जेवीएम कार्यकर्ताओं के द्वारा भी लगातार खलारी प्रखंड क्षेत्र में प्रत्याशी कमलेश राम को वोट देने को लेकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान जेवीएम नेता रामसूरत यादव और प्रताप यादव ने कहा कि बाबूलाल मारंडी ने इस बार कांके से प्रत्याशी दिया है ताकि झारखंड में एक साफ सुथरी सरकार दे सके। उन्होंने लोगों से जेवीएम प्रत्याशी के ही पक्ष में वोट देने की अपील की है। जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंड विकास मोर्चा जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद 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 झारखंड का एक लाल बाबूलाल बाबूलाल झारखंड का एक लाल बाबूलाल बाबूलाल कमलेश राम जिंदाबाद 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 कमलेश राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनसंपर्क में अभी हम लोग निकले हैं और बहुत ही अच्छा है। अभी कमलेश राम अभी एक नंबर में चल रहे हैं क्षेत्र में और लोगों का रुझान बाबूलाल मरांडी के ऊपर है कि मुख्यमंत्री बनाना है इस राज्य का, झारखंड राज्य का, और नया विकल्प में मरांडी जी को ही लोग देख रहे हैं। और हम भी जनता से चाहेंगे कि इनको पूर्ण रूप से सहयोग करें और कंघी छाप को वोट देकर जिताएं ताकि हमारा क्षेत्र में विकास और लोगों के अंदर क्षेत्र में परिवर्तन हो। चुनाव प्रचार बहुत ही अच्छा चल रहा है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है कंघी छाप को। बाबूलाल मरांडी के प्रति सब जनता का रुझान है। हम लोग लपरा से होते हुए आपका बाजार टाड़, लपरा, मायापुर, केडी, चदरा धावड़ा, महुआ धावड़ा, महावीर नगर, सारा जगह जीटैप हो गया, सारा जगह जनसंपर्क चला रहे हैं और अच्छा खासा माने कि रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। जहाँ भी जा रहे हैं बाबूलाल मरांडी के प्रति लोग बता रहे हैं, खुद से बता रहे हैं कि अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, इनको आना चाहिए। और इस बार मुझे भी लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस हद तक हैं, हम लोग भी टक्कर में हैं और पूरा रुझान है बाबूलाल। लोग क्यों दे जेवीएम को ही वोट क्यों दे? जेवीएम को इसलिए वोट दे कि बाबूलाल मरांडी के अलावा झारखंड का विकास कोई नहीं कर सकता। अगर झारखंड का विकास चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार चाहिए तो बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। अगर और भी जितने भी अभी नौकरी चाकरी, जितने भी जीपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ, इतने दिनों से स्कूल में हेडमास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अगर ये सारा सुविधा चाहिए, जन समस्या को हटाना है तो बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और हम लोग बाबूलाल मरांडी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि कमलेश राम को वोट दीजिए तो बाबूलाल मरांडी के छवि को देख के दीजिए, वो अढ़ाई साल का कार्यकाल को देख के दीजिए, जो अढ़ाई साल में उन्होंने कार्यकाल जो काम किए उनको देख के दीजिए। उनका कार्यकाल को सबको सराहनीय, अभी भी बात बोलते हैं कि उनके जैसा मुख्यमंत्री कोई था ना कोई होगा। इसलिए फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता यहाँ उमड़ पड़ा है, चारों तरफ से लोगों का रुझान आ रहा है और बाबूलाल मरांडी के प्रति लोग एकदम जागरूक है। क्षेत्रीय समस्या को किस तरह से रखे हैं आप लोग? क्षेत्रीय समस्या के बारे में मैं पर्सनली बाबूलाल जी से मिला था, बात किया, उन्होंने बताया कि देखिए जितने भी समस्या है हम अभी समस्या के लिए लड़ सकते हैं मगर दिला नहीं पाएंगे अधिकार जब तक हम वहाँ पद में नहीं आएंगे, जब तक हमारा सरकार नहीं आएगा तब तक समस्या को हम दूर नहीं कर पाएंगे पूरा तरह से। हम सिर्फ लड़ सकते हैं, जनता के साथ मिल सकते हैं। अगर समस्या को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ना है, बाहर फेंकना है, तो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को हटाना होगा और बाबूलाल जी को बैठाना होगा। जनता से क्या अपील करेंगे अभी? जनता से हम यही अपील कर रहे हैं कि आप बाबूलाल मरांडी का पिछला 14 साल से जो आपके लिए रांची राजधानी में हर वक्त हर समस्या को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ते आ रहे हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए प्रयासरत हैं, उनको वोट कीजिए, उनके लिए वोट कीजिए, मुख्यमंत्री के लिए वोट कीजिए। एक अच्छा माने कि स्वास्थ्य छवि का चेहरा लाइए जो कि जिससे हम लोगों का विकास हो सके, हम लोगों बाल बच्चों का विकास हो सके, हम लोगों गांव घर सब माने कि पूरी तरह एकदम विकास कर पाए। आज 35 साल से बीजेपी यहां राज कर रहा है, एक भी ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना ही मेडिकल सुविधा है, तो उसको भगाइए और बाबूलाल मरांडी को लाइए।